जो घड़ी है वो आगे बढ़ेगी, ये रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील होने लगेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में दो सीटों पर कांग्रेस ने अपना खाता खोल लिया है। 90 विधानसभा सीटों में से दो सीटों पर कांग्रेस यानी भूपेश बघेल जो है वो अभी फिलहाल चमकते हुए मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं इन दो सीटों में। मध्य प्रदेश में भी पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो रही है। बिल्कुल रुक कर लेते हैं, फटाफट बताइए ब्रह्म प्रकाश। राजस्थान में पहला रुझान बीजेपी आगे, तो बीजेपी की भी राजस्थान में बोनी हो चुकी है। बिल्कुल बोनी हो चुकी है। सुबह सुबह राजस्थान का पहला रुझान बीजेपी आगे, कांग्रेस हम बता ही रहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीतने वाली है। और राजस्थान में कौन जीतेगा? कांग्रेस आगे चल रही है। राजस्थान की अगर बात करें तो वहां पर भी बीजेपी ने अपना खाता खोल लिया है। पहली सीट जिसका रुझान हमें मिलने लगा है वहां पर इस समय राजस्थान में बीजेपी ने बढ़त बना ली। और मैं फिर बता दूं आपको, ये बेहद शुरुआती रुझान है। तीन सीटों का रुझान हमें मिलने लगा है, दो सीटें हमें छत्तीसगढ़ से मिल रही है, दोनों पे कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। पहली सीट का रुझान हमें राजस्थान से मिल रहा है जहां पर इस समय बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। मध्य प्रदेश और तेलंगाना का हमें इंतजार है। हालांकि ये हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस के कैंप में जोश बहुत हाई है, लेकिन रुझान का इंतजार है। तो तीन सीटों का रुझान हमें मिलने लगा है, दो सीटें हमें छत्तीसगढ़ से दिख रही है जहां पर कांग्रेस ने बढ़त पा ली है, और एक सीट हमें राजस्थान से दिखाई दे रही है। यानी वसुंधरा राजे के लिए अच्छी खबर अगर वो मुख्यमंत्री बनती है। दीपक जी क्यों आप सुबह सुबह उनकी उम्मीदें बढ़ा रही है? शोभना जी मत बढ़ाइए। देखिए बीजेपी में कौन मुख्यमंत्री बनेगा अब ये किसी को पता नहीं होता है। देखिए डिसीजन ऊपर से होना है और हम लोगों की उम्मीदें ही बढ़ा सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल देखिए ये टैली जो है वो तीन सीटों का रुझान हमें मिलने लगा है। और बीजेपी को जो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो तीन सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, छह सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। लीजिए ये हमें रुझान फटाफट मिलने लगे। राजस्थान में अपडेट होना शुरू हो चुका है टैली हमारा। मध्य प्रदेश में देखिए तीन पर बीजेपी आगे, कांग्रेस में छह, और तेलंगाना का पहला रुझान बीआरएस एक सीट पर आगे, बीआरएस एक पर, एआईएमआईएम आ गया, ओबीसी की पार्टी आ गई एक पर, बीआरएस और एआईएमआईएम गठबंधन में टैली मिल गई है हमें। मध्य प्रदेश में बीजेपी तीन सीटों पर बढ़त बनाई है, भाग रहा है राजस्थान, भाग रहा है। पांच सीट पर बीजेपी, पांच सीट पर कांग्रेस आगे। मध्य प्रदेश देखिए पांच सीट पर बीजेपी और सात सीट पर कांग्रेस आगे। तेलंगाना में बीआरएस एक सीट पर और एमआईएमएम एक सीट पर। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो कांग्रेस ने यहां पर दो सीटों पर बढ़त लीजिए, बीजेपी की भी दो हो गई। यानी हर जगह कांटे की टक्कर इस समय दिखाई दे रही है, चाहे राजस्थान हो पांच से पांच, ओवैसी की पार्टी जो है उसको एक सीट पर वो बढ़त बनाई हुई है। तेलंगाना में राजस्थान में टाई पांच पांच, कांग्रेस पांच बीजेपी पांच। और मध्य प्रदेश में देखिए कांग्रेस आगे बढ़ती हुई, आठ सीट पर कांग्रेस आगे, पांच सीट पर बीजेपी, अदर्स के खाते में शून्य है। राजस्थान में देखिए पांच और बाहर टैली जो है वो फिर टाई हो गई है। बीजेपी दो कांग्रेस दो, यानी अगर हम तीनों राज्यों की बात करें बीजेपी तीन कांग्रेस छह, बीजेपी तीन कांग्रेस छह, कांग्रेस जो है वो दुगनी सीटों पर आगे हो गई है। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें आंकड़े की तो इस समय कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश देखिए बढ़ता हुआ, नौ बीजेपी आगे निकल गई है, छह पर कांग्रेस, नौ पर बीजेपी, छह पर कांग्रेस। राजस्थान में पांच पर बीजेपी, पांच पर कांग्रेस। तेलंगाना में एक और एक, दोनों बीआरएस और एआईएमआईएम और तीन और छह। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस अपना खाता खोल पाई है ना बीजेपी अपना खाता खोल पाई है। और देखिए मध्य प्रदेश नौ छह, नौ बीजेपी छह कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में तीन बीजेपी छह कांग्रेस, राजस्थान में देखिए